फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मिक्स दाल बनाने के लिए अपनी मिक्स दाल को उबाल लिया है, बॉईल कर दिया है। और यहाँ काटे हैं मैंने टमाटर और यहाँ काटी है प्याज। अब मिक्स दाल क्यों, तो मिक्स दाल की मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि मिक्स दाल इसलिए कि रोज़ हम सोचते कुछ ना कुछ बनाएं कुछ ना कुछ बनाएं, तो आज मैंने अपनी सारी दालों को मिलाया है और ये मिक्स दाल बनाई है। तो अभी ये मिक्स दाल में आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें चना भी लिया है, उड़द भी लिए है और थोड़ी मलका भी लिए है। तो इसको हमारी मिक्स हो गई है और ये दाल अब मैं किस तरीके से बना रही हूँ आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, दाल पहले से ही बॉयल करके रख ली है। बॉयल करने के बाद मैंने अपने टमाटर कट करे हैं और ये आप देख सकते हैं प्याज मैंने इस तरीके से काटे हैं कि जो ये आप देख रहे होंगे मैंने प्याज काटी है, तो प्याज मैंने बहुत मोटी काटी है। तो ये जो दाल है ना, मैं आज खड़े मसाले की बना रही हूँ, तो मैंने आज थोड़ा खड़े मसाले की तरीके से ही प्याज अपनी कट करी है। जब ये प्याज हमारी तेल में जाएगी ना, तो हमारी एक एक कली बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हो जाएगी, भुनने में ये बिल्कुल पक जाएगी और दाल में घुल जाएगी। और इसी तरीके से मैंने इसमें अपने कुकर में इसको उबाल लेना है। तो पहले मैं इसको अभी आपको छौंक के दिखाती हूँ कि मैं अपनी दाल किस तरीके से बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी दाल का तड़का। आप देख रहे हैं मेरा ऑयल तेज हो चुका है और मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपनी प्याज जो मैंने काट के रखी थी। मैंने प्याज थी इसमें डाल दी है। हमें इसको ज़्यादा नहीं भूननी है, हल्की भूननी है, बिल्कुल हल्की जैसे पिंक कलर आ जाए। ज़्यादा भूनेंगे तो फ्रेंड ये ब्लैक ब्लैक नहीं करनी है, नहीं तो ब्लैक हो जाती है, इसलिए हम इसको चलाते रहना चाहिए इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं इसको चला रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे मैंने इतनी मोटी काटी थी, तब भी देखिए एक एक कली उसकी अलग हो गई है। अब ऐसे ही थोड़ी देर में मैं ये टमाटर अपनी दाल में ऐड करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं ये भी मैंने थोड़े मोटे काटे हैं, वो इसलिए काटे हैं क्योंकि ये देसी टमाटर हैं और ये जल्दी ही गल जाते हैं और इससे जल्दी पक भी जाते हैं। तो हम इधर देख रहे हैं कि हमारी प्याज अभी नहीं हो पा रही है, हल्की हल्की हो गई है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं भूननी है बिल्कुल भी, ये ज़्यादा ब्लैक हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती दाल। ऐड कर दिए हैं तरीके से टमाटर को, अपने टमाटर को इसी के साथ भून लेंगे। देख सकते हैं आप टमाटर किस तरीके से जल्दी गलने वाले हैं, इस तरीके से टमाटर जल्दी भी गल जाते हैं। और कुकर में तो ऑब्वियसली सीटी लगेगी तो वैसे ही बहुत टमाटर गल जाएंगे हमारे। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमारे मसाले पूरे रेडी हैं और अब मैं इसमें ये मसाले डालने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ मिर्ची थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि तो तेज मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैंने हल्की डाली है, मैं थोड़ा सा चीनी मिर्ची और डालूँगी। अब ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और ये धनिया पाउडर, ठीक है फ्रेंड्स। मसाले को तरीके से मैं मिला लेना है।
अब नमक, तो नमक मैंने दाल में पहले ही ऐड कर दिया था, बट अगर कम होता है कभी कभार हम दाल में, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। चौक लेना, इसको मैं अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा मसाला चिपक सा रहा है, तो इसके अंदर आप दाल का भी पानी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा पानी आप लेके और ऐड करके नमक मसाला भून सकते हैं। देख पा रहे होंगे मसाला मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है, और इधर मेरी दाल, मैं इसको अपने मसाले में ऐड करने जा रही हूँ बॉयल दाल को। और अब आप देख पा रहे होंगे दाल मिक्स वाली, तो मिक्स तरीके से मसाले में अच्छी तरीके से मिला, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है दाल के बर्तन में अपने, उसमें मैंने दाल में ऐड कर दिया है। इस तरीके से मेरी दाल बनकर हो गई है रेडी। इसमें एक सीटी लगानी है मुझे, सो अभी हम इस दाल में एक सीटी और लगाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल तैयार है मेरी मिक्स दाल, और आप देख पा रहे होंगे और कितनी अच्छी लग रही है, आप खुद देख सकते हैं। और आपके सामने मैंने किस तरीके से दाल अपनी ये बनाई है, तो कभी कभार आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं अपनी दाल को, क्योंकि जब हमारे पास कोई सब्ज़ी नहीं होती तो हम सोचते क्या बनाएँ, और रोज़ ही यही सवाल घर में, हर घर में होता है। सो अब तो आपने देख लिया है कि मैंने दाल किस तरीके से बनाई है और कैसी लग रही है मेरी दाल, ये आप देख पा रहे होंगे। और दाल मैंने ज़्यादा गला भी दी है इसीलिए, जो मेरे को गली हुई दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, और खड़ी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, खाना पसंद करते हो, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाना पसंद करते। सो आपको मेरी ये दाल की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। और के बाय फ्रेंड।